अस्सलाम वालेकुम माय छोटी फैमिली कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज आप लोगों के साथ एक बहुत सी ज़बरदस्ती वीडियो शेयर करनी है और ये है स्पेशली uh, डेडिकेटेड है मेंस को और स्पेशली लेडीज़ को भी uh, क्योंकि जो है ना फॉल का मसला जो इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा हो गया है ना कि है ना मतलब बहुत ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बना दें और फिर मैंने कहा कि मैं चले मैं इस पे वीडियो बना देती हूँ तो uh, फॉल को कम करने के लिए ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा है आज जो हम ऑयल बनाने लगे हैं अच्छा तो Uh, इसके क्या क्या फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे uh, ये प्योरीफाइंग करेगा स्कैल्प जो हमारी होती है और डेंडर फ्री कर देगा हमारे हेयर्स को हमारे हेयर्स को हेल्दी बना देगा और जो हमारी ड्राइनेस होती है बालों में वो ख़त्म हो जाएगी इचीनस जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी खुश्की सिकरी वगैरह सब इस ऑयल से जो है ना वो ख़त्म होने वाली है जो हमारे सर में होता है ना मतलब सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन उसको ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव बना देगा ये वाला हेयर ऑयल तो चलिए अब इसके बनाने का तरीका हम देखते हैं तो इसको बनाना जो है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है इसके लिए आप लोगों को क्या लेना होगा थोड़ी सी अदरक लेनी होगी आ, और जो है ना ट्राई करेंगे इस मकदार में जो है ना जिंजर ज़रूर लें क्योंकि जो इसका पेस्ट निकलेगा उससे हम फिर पानी जो इसका जूस होता है ना अदरक का जूस जो इसमें से निकलेगा असल में हमें वही इस रेसिपी में चाहिए होगा आ, जो कि हम अपने बालों की जड़ों में लगाएंगे जहाँ जहाँ से हमारा मतलब हेयर फॉल हो रहा है जहाँ से हमारे बाल गिर रहे हैं वहाँ पर हम इस ऑयल को लगाएंगे अच्छा ये तस्वीर में बहुत गर्म होता है तो जिनको बीपी वगैरह का इशू होता है ना वो ज़रा ध्यान से लगाएँ मतलब मैं तो ये कहूँगी कि फिर वो लोग अवॉइड करें क्योंकि ये ना अदरक जो होती है वो बहुत गर्म होती है ठीक है तो जब हम इसका जूस वगैरह निकाल लेंगे तो वो फिर गर्म हो जाएगा तो मतलब इस चीज़ को आपने ज़रूर ध्यान में रखना है ना तो मैं अपनी हर रेमेडी में बता देती हूँ कि किन लोगों को इसको, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और किन कौन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो कोई बात नहीं जो लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते उनके लिए मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस हैं वो कोई और रेसिपी ट्राई कर सकते हैं हेयर फॉल के लिए ठीक है जैसे कि वो अनियन जूस भी ट्राई कर सकते हैं अच्छा तो चलें इसको बनाते हैं आप कोई सा भी ऑयल ले लें साथ में आप जिंजर जो है वो इसका जूस निकाल लें इसको पहले अदरक को पीस लें अच्छे से पीस लें और कूटी डंडा जो होता है उसमें पीस लें उसके बाद इसका जूस निकाल लें और उसको जो है ना ऑयल में मिक्स कर लें और आप कोई सा भी कॉटन पैड होता है ना जैसे कि रुई उसकी मदद से अपने बालों की जड़ों में अच्छे से लगा लें और उसको फिर आप लगा रहने दें एटलीस्ट आप तीस से पैंतीस मिनट तक लगा रहने दें और उसके बाद जाके आप सादे पानी से हेयर वॉश कर लें ट्राई करें कि आप इसके बाद शैम्पू से परहेज़ करें क्योंकि शैम्पू में आपको पता ही है कि केमिकल्स वग़ैरह तो फिर ऐड होते ही हैं तो फिर वो जो है ना इसका जो असर है वो असर ख़त्म हो जाएगा तो आप लोगों ने उससे अवॉइड करना है आप इसको वीक में दो दफ़ा ट्राई कर सकती हैं आपको मेरे हाथ में अदरक की जो मतलब नज़र आ रही है अच्छा तो इससे जो है ना क्या होगा कि आपकी जो स्किन है ना स्कैल्प जो होता है डेंट्रो फ्री हो जाएगी हेल्दी हेयर हो जाएंगे ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी हिचिनेस ख़त्म हो जाएगी खुश्की सिक्री सिकरी हर तरह के आपके जो है ना मसले वो ख़त्म हो जाएंगे इस से मिलती हूँ न्यू वाली वीडियो में इजाजत हैं अल्लाह